ऑर्बिटली लिंक से अपने सारे जो भी है वो चीजों को देख लो कि कौन सी आपको वो देखनी है, रिकॉर्डिंग अगर कोई पुरानी देखनी है, नोट्स चाहिए, सो ऑल आर अपडेटेड हेयर. आई एम सेंडिंग इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ. सो हेयर इज द बिटली लिंक. इसको सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, सेव करके रख लो, कभी भी कोई नोट्स की जरूरत होती है बच्चे उसमें आप देखते रहोगे. ठीक है, यू ऑल कैन सी इट. चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ मास सेक्शन. तो आज हम जहां से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन. तो लॉ ऑफ मास सेक्शन बच्चे किसने प्रपोज किया था, गल्डबर्ग और वेग ने. दिस वॉज प्रपोज बाय द साइंटिस्ट नेम गल्डबर्ग एंड वेग. ये दो साइंटिस्ट ने हमें लॉ ऑफ मास सेक्शन दिया था. क्या बोला क्या था लॉ ऑफ मास सेक्शन में, कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के, यानी कि रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के. और अगर उनके पास कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो रेज टू द पावर में चला जाता है. अब जैसे कि ए रेज टू द पावर ए ए और बी बी कोई रिएक्शन है रिएक्टेंट में, तो ये बच्चे जो इसके आगे लिखा होता है ये होता है इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो ये कोफिशिएंट क्या करता है, फिर रेज टू द पावर में चला जाएगा. यानी कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन होगी ए ए प्लस बी बी गिव सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, तो रेट जो है, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन का ही लिख रहे हो सिर्फ, तो उसमें रिएक्टेंट आता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस, यानी ए रेज टू द पावर ए और बी रेज टू द पावर बी के इक्वल होगा. ये था हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन. क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उनके पावर के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट टू रेज टू द पावर रहेगा. अब यहाँ पे बच्चे बात करी गई है एक्टिव मासेस की, ठीक है ना. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव मासेस. तो एक्टिव मास क्या होता है, सबसे पहली बात तो हम यही जानेंगे एक्टिव मास का क्या मतलब है. बच्चे अगर मैं बोलूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में तो 45 ग्रुप में लिंक भेजा है, तो मान लो जीपी 45 में 45 ही स्टूडेंट है, बट अगर मैं एक्टिव स्टूडेंट्स की काउंटिंग करूँ ना तो मैं बोलूँ कि सिर्फ 20 क्लास में आते हैं. सो दैट मीन्स दे आर एक्टिव. ऐसे ही एक्टिव मास क्या होगा बच्चे, वो अमाउंट ऑफ मास जो कि किसमें पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, दैट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एक्टिव मास, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक्टिव मास है. तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या हो गया हमारा, दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय गल्डबर्ग एंड वेग, और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के, जो कि रेज टू द पावर क्या होती है बच्चे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के. और एक्टिव मासेस क्या है, एन इफेक्टिव अमाउंट ऑफ मास दैट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं एक्टिव मास को कैलकुलेट करते हुए. अगर बच्चे कहीं भी प्योर सॉलिड और लिक्विड आता है ना, तो उसका एक्टिव मास जनरली क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी प्योर सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इट डिसोसिएट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस, तो इसमें बच्चे ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड का मास क्या होगा, 1:1 होगा. ठीक है, और एक्टिव मासेस क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट हम इसको अपने पर्पस के लिए इसकी डायमेंशन क्या रखते हैं, मोलारिटी और पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में. ठीक है ना, वी टेक द मास मोलारिटी एंड पार्शियल प्रेशर. और थर्ड पॉइंट क्या है, कि जो भी एक्टिव मास होता है बच्चे किसी प्योर सॉलिड या लिक्विड का, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर. दैट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सिस्टम, कि उसकी डेंसिटी कितनी है या उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा.
नेक्स्ट देखो बच्चे, अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं किसी भी लॉ ऑफ मास सेक्शन का। मान लो अगर आपके पास कोई भी रेट आपने लिखना है, रेट वुड बी के ऑफ ए इंटू बी, ए और बी क्या होंगे, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब हम इस रिएक्शन के थ्रू देखेंगे कि रिएक्शन क्या है हमारे पास, ए ऑफ ए बी ऑफ बी गिव्स सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। तो बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के, यानी ए रेस टू द पावर ए हो जाएगा और बी रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, बी। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कोई कांस्टेंट लगा दिया, यानी कि के ऑफ एफ ए रेस टू द पावर ए बी रेस टू द पावर बी हो गया। ऐसे ही हमें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना था, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी ऑफ सी और डी ऑफ डी के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट क्या लगा देंगे, के बी, यानी सी रेस टू द पावर सी डी रेस टू द पावर डी। नाउ यू नो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि के ऑफ एफ ए रेस टू द पावर ए बी रेस टू द पावर बी इज इक्वल टू के ऑफ बी सी रेस टू द पावर सी डी रेस टू द पावर डी। अब मुझे के एफ को मैंने के बी से डिवाइड करा, ये वाली टर्म बच्चे नीचे आ गई, तो ये वाली इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, सी रेस टू द पावर सी डी रेस टू द पावर डी, ए रेस टू द पावर ए और बी रेस टू द पावर क्या हो गया, बी। के एफ और के बी को हम क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम या फिर के सी। ठीक है, तो के सी किसके इक्वल आ जाता है, जब हम प्रोडक्ट ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट नीचे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज गिवन द वैल्यू ऑफ के सी, यानी कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ये क्लियर हुआ सबको? यस, यहां तक सबको क्लियर हुआ? फटाफट से बता दो यस और नो। यस, सिर्फ प्रणब को क्लियर हुआ? सागर, ओके, सीमा और हरलीन को क्लियर है, साक्षी को, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। लास्ट में बच्चे मैंने ये बोला, हाँ, हैंड रेस करके क्लियर बता कर, हाँ बिल्कुल बेटा, हैंड रेस कर दिया करो, ठीक है। हाँ मैं अनम्यूट कर देती हूँ, बिल्कुल बेटा, माइक भी आपके अनम्यूट कर देती हूँ, आप माइक ऑन कर लो, ठीक है, अभी क्लियर, अभी ठीक है। बच्चे लास्ट में मैंने करिश्मा ये बताया कि के एफ बाय के बी को हम के सी के इक्वल लिख सकते हैं, यानी डेट वुड बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की, तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसी के बेस पे बच्चे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, पोल में सारे बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। अब एक ये रिएक्शन है हमारे पास, दिस इज अ रिएक्शन, फॉर दिस यू हैव टू राइट द केसी वैल्यू, आपको इसके लिए केसी की वैल्यू लिखनी है, तो देखो क्या रहेगा इसमें ऑप्शन करेक्ट। आई एम रेजिंग अ पोल, उसमें सारे बच्चे आंसर करेंगे। Yes, go for the answer, बेटा। Very good. Three votes, four votes, very good. बहुत अच्छे, बच्चों को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, पांच वोट्स आई हैं और पांचों आंसर करेक्ट हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फटाफट से और भी बच्चे वोट करो। Yes, go for the voting.
ओके ग्रेट, 9 वोट्स बच्चे हमारी मिली हैं ऑप्शन ए को, बी को भी मिली हैं 4 वोट्स, ठीक है, इसको दोनों को 0-0 वोट्स मिली हैं। सो 9 हमारा विनर है। देखो बच्चे मैंने क्या बोला, केसी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है बच्चे आपका NiCO4, ठीक है, डिवाइडेड में आप रिएक्टेंट लिखोगे, निकल लिख सकते हैं हम, और CO4, बस CO4 था तो CO की रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कॉफिशियंट को रेस टू द पावर लिखते हैं। अब मैंने ये बोला ना बच्चे कोई चीज सॉलिड या लिक्विड में होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 है तो वी आर निग्लेक्ट दिस, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो हम क्या लिखेंगे सीधा सीधा, निकल CO4 है और CO रेस टू द पावर 4। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या रहा बच्चे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दिस वन, फॉर दिस यू हैव टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इस रिएक्शन के लिए अब आपको लिखना है, ठीक है, मैं अगेन पोल रेस कर रही हूँ, सोच समझ के आंसर करना, इसमें भी वही कंसेप्ट फॉलो होगा। हाँ बच्चे ऑलवेज 1 होती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं इनकी, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे सॉलिड और लिक्विड को लेके कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, इक्विलिब्रियम ज्यादातर गैसियस मॉलिक्यूल में इफेक्ट शो करता है, तो जब भी आप सॉलिड और लिक्विड ले रहे हो तो उनकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके चलो आई एम रेजिंग द पोल वंस अगेन, और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। यस गो फॉर इट। एट वोट्स टू ए ऑप्शन एंड 2 वोट्स टू बी ऑप्शन, ठीक है, 8 वोट्स हमने दिए हैं ए ऑप्शन को और 2 बच्चों ने सिर्फ वोट दी है बी ऑप्शन को। सो अकॉर्डिंगली तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली मतलब आप सबके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए या नहीं, तो इसको हमारे पास मिल रही है 8 वोट्स और इसको बच्चे मिली है 2 वोट्स। तो देखते हैं हमें केसी की वैल्यू बच्चे कैसे लिखनी होती है। पहले तो वही चीज लिखोगे आप, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपके पास था AgNO3, ठीक है, 2 लगा हुआ है तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वाटर है साथ में और नीचे हमारे पास Ag2O है और HNO3 का ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि कॉफिशियंट 2 है, ठीक है ना। अब ये चीज देखो बच्चे, मैंने पहले ही बोला लिक्विड वाले और सॉलिड वाले क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, तो यहां से लिक्विड को हटा दो, यहाँ से सॉलिड को हटा दो, यू विल जस्ट लेफ्ट विद दीज 2 थिंग्स। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वही केसी की वैल्यू को शो करेगा, तो केसी क्या आ जाएगी हमारी, AgNO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय HNO3 का स्क्वायर। क्लियर? यस, ये सबको क्लियर हुआ, फटाफट से हैंड रेज कर दो। हाँ वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं हिंट दूंगी, देखते हैं करके कौन दिखाता है मुझे। रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, KF/KB। के इक्विलिब्रियम क्या है, KF/KB है, ऊपर क्या रखते हो आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी बी का स्क्वायर और नीचे ए की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ा था ना कि हम वैसे तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बट हम इसको मोलारिटी की फॉर्म में लिखते हैं, तो मोलारिटी क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलारिटी जनरली यही है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो ये KF की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और KB की भी वैल्यू दे रखी है, KB की वैल्यू P की फॉर्म में है, यानी KF क्या है, 1.5 × 10⁻³
और के बी हमारा क्या है, पी इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11। बी, बी यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स कितने दे रखे हैं बी के, बी के बच्चे 100 मोल दे रखे हैं, 100 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 लीटर। ठीक है, 100 बाय 10 का स्क्वायर। और नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने दे रखे हैं, 10 रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10। अब यहां से आपको सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 1 to 2 मिनट, ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ पी की वैल्यू क्या होगी। चैट बॉक्स में लिखेंगे सारे व्हाट वुड बी द वैल्यू फॉर पी। यस, फटाफट से निकालो पी की वैल्यू। गो फॉर इट बेटा, इजी है, देखते हैं कौन बच्चा मुझे बता पाता है। यस, फटाफट दिमाग लगाओ। वेरी गुड राज, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, राज ने बिल्कुल सही निकाला है। हाँ, 2p की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, 1.5। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। यस हरलीन, वेरी गुड बच्चे। सी देखो, ये था हमारे पास KF, हमने क्या करा 100 बाय 2 और यहाँ पे 10 रेज टू द पावर माइनस 5 था, यहाँ पे था बट्टा 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर ए माइनस 3 पी 10 रेज टू द पावर 11। 100 बाय 10 मीन्स 10 का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास 100, 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 10, 10 रेज टू द पावर माइनस 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 p into 10 raised to the power minus 9। तो p की वैल्यू 1.5, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी 2p की, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। सो फॉर दिस द वैल्यू फॉर 2p इज 3। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ यहां तक बच्चे, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस। अच्छा, जिस जिसको क्लियर है वो एक बार हैंड रेज कर दे। Only 4, 9, ठीक है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स 10 बच्चों को क्लियर है, बाकी के 8 रह गए क्या, 11 कौन कौन रह गया, हैंड रेज ही रखना, नीचे नहीं करने अभी। ठीक है, हरिओम को आ गया समझ, हरलीन को आ गया, करिश्मा को आ गया, पीयूष को भी आ गया, प्रणब, प्रणब ने हैंड रेज नहीं किया, प्रणब अच्छा कर दिया, प्रणब ने भी कर, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सबको समझ हमारे आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब बच्चे हम एक और कॉन्सेप्ट करेंगे, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस इक्विलिब्रिया पे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, एक बारी मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, लेट मी शेयर इट। Yes, सबको शो हो रही है, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। आ रहा है ना, अभी अभी क्लियर है, सबको विजिबल है। Yes ma'am, that's great, very good। चलो अब हम बात करेंगे बच्चे होमोजीनियस और हेटरोजीनियस इक्विलिब्रिया पे। मैम, अगर सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉलिड में है तो
तो बच्चे केक इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फिर, सॉलिड और लिक्विड में ही सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे तो इक्विलिब्रियम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यू कैन राइट इट एज वन वैल्यू, ठीक है, आप उसमें के की वैल्यू वन लिख सकते हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही नहीं होता उसमें, जनरली इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे केसेस हम आगे पढ़ेंगे जब हम अभी इसमें एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में ना हमारे पास वो है इफेक्ट कि किसी प्रेशर का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें वी विल डिस्कस अबाउट दिस। लेट मी जस्ट टेक द अनदर कलर, क्योंकि व्हाइट कलर में है सारी स्लाइड तो हमें दिखेगा नहीं। ओके तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया एंड सम एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, अगर बच्चे हम होमोजीनियस का मतलब लें तो होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, एंड जीनियस को आप ऐसा याद रखो फेस, यानी कि ऐसी रिएक्शन हम लेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में, हम कैसी रिएक्शंस लेंगे जिसमें सारी ही स्पीशीज क्या होंगी सेम फेस में हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका फेस क्या हो सेम हो। जब फेस बच्चे सेम होता है तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सो व्हाट द टर्म होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इज यूज्ड, इट यूज टू डिस्क्राइब द रिएक्शन जहां पे सारी स्पीशीज क्या होती है बच्चे सेम फेस में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेबर प्रोसेस का ही एग्जाम्पल ले लूं कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ मिलके अमोनिया गैस बनाती है, तो आप देखो सारे ही गैसीय स्टेट में है, सबकी स्टेट क्या है सबका फेस क्या है, फेस ले लो या स्टेट ले लो वो सेम है, यानी कि सभी सेम फेस में है गैसीय स्टेट। तो जब सेम फेस होता है तो उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में ऑल स्पीशीज इन द गैस फेस, सारी स्पीशीज किस फेस में होती है गैस फेस में, जैसे H2 गैस है I2 गैस है H2O क्या होती है गैसियस स्टेट में होती है। नेक्स्ट क्या आता है बच्चे हमारे पास ऑल स्पीशीज आर इन सोल्यूशन, अगर हमने एक और एग्जांपल ले लें कि सारी की सारी स्पीशीज एक्वस फॉर्म में है, ठीक है ना, सॉल्यूशन में है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा एग्जांपल होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चे हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की। अब जैसे होमोजीनियस का क्या मतलब था सेम फेस, यहाँ पे हेट्रो का क्या मतलब हो जाएगा डिफरेंट, और जीनियस हम किसके लिए ले रहे हैं फेस के लिए, कि जब रिएक्शन जो हो डिफरेंट फेस की हो, कि ऐसी टर्म जिसमें हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम यूज करते हैं व्हेन द स्पीशीज आर इन डिफरेंट फेस, जब स्पीशीज क्या हो डिफरेंट फेस में हो, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बच्चे डिकम्पोजिशन दिखा दी, तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है सॉलिड में और साथ में CO2 की गैस, तो यहाँ पे ये डिफरेंट फेस आपको देखने को मिल रहा है, सारे के सारे जो हमारे पास स्पीशीज हैं दे आर नॉट इन सेम फेस, टू सेम फेस में और एक डिफरेंट फेस में है, तो जब सारी स्पीशीज सेम फेस में नहीं होती डिफरेंट फेस में भी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, उस केस में हम क्या मेंशन करेंगे कि ये हेट्रोजीनियस नॉट होमो, दिस इज सजेस्टिंग टू हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल वही लिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में था, फिर वो सॉलिड में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्रोवाइड कर रहा है, यानी फेस जो है वो बदल चुके हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर कंसीडर्ड एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। और सेकेंड क्या है हमारे पास, टू मर्करी जो है वो सॉलिड में है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस एंड इट इज गिविंग अस 2HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ही हमें दे रहा है, ये सॉलिड था बच्चे गैस के साथ कन्वर्ट होके सॉलिड दे रहा है, यानी फेसेस जो हैं वो सारी स्पीशीज के सेम नहीं है डिफरेंट है, और जहां पे फेसेस क्या हो डिफरेंट हो हर एक स्पीशीज के उसको हम क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, दैट इज कंसीडर्ड एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्लियर हुआ ये सबको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लियर है? Yes, anyone having any confusion? Okay, that's great. Very good. चलो एक question करते हैं हम इसका।
एन टू प्लस ओ टू गिव्स टू एनओ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत इजी है ये तो होमोजेनियस। अरे अरे उसमें बोलेंगे हम पोल में, ठीक है पोल में आंसर करेंगे सारे बच्चे। वैसे तो इजी है, अगर किसी बच्चे ने वो बोल भी दिया है तो भी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है तो भी हम पोल्स आर जनरली फॉर अटेंडेंस इटसेल्फ, इससे अटेंडेंस भी पता चलती रहती है कि कितने बच्चे अटेंटिव बैठे हैं क्लास में, कितने बच्चे जो है वो फटाफट से पोल का आंसर करते हैं। वेरी गुड, डू द वोट्स, यस पता चलेगा 16 में से कितने बच्चे हमारे एक्टिव हैं। ओनली 9 आर एक्टिव, बाकी के सो रहे हैं, नींद आनी शुरू हो गई। 11, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो सभी बच्चों का आंसर एक ही है, होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि दे ऑल आर इन द सेम फेस, सारे ही क्या है सेम फेस में है, सेम फेस में है तो बच्चे डैट वुड बी कंसीडर्ड एज होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, को हम क्या बोलते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, ये अटेन कर रहे हैं, ठीक है सेम फेस वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकेंड देखेंगे, देखो लिक्विड टू गैस, अब ये किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस का, ना तो होमो है ना हेट्रो है, इसके अकॉर्डिंगली हम कह नहीं सकते मे और मे नॉट बी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अब देखते हैं बच्चे इसका क्या आंसर कर पाते हैं, ठीक है वो तो बिल्कुल इजी था तो फटाफट से सबने आंसर किया, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो देखते हैं कौन इसको आंसर कर पाता है और कौन नहीं। ठीक है लेट्स जस्ट थिंक एंड गिव द आंसर एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट गेटिंग अ वॉटर फॉर मी, इन द मीन टाइम यू ऑल कैन आंसर दिस, ठीक है चैट में मत लिखना कोई भी बच्चा, ये ना हो कि मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाऊं और आप चैट में मेंशन कर दो, ठीक है तो इसको एक बारी करो, आई विल बी बैक इन अ मिनट। Yes, let's see the answer. मिला जुला आंसर कर दिया। सारे ऑप्शन
ठीक है, करो करो वोट। सारे ऑप्शन एक जैसे कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, ए को कर दी 2 वोट्स, बी को कर दी 4, सी को 5, डी को 3। इस तरह से वोट्स आई हैं हमारी, ए को 2, बी को 4, सी को 5 और डी को 3। तो देखो बच्चे, ये है तो कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन है ना। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस कैसे बोल रहे हैं। अब हमारे पास क्या है बच्चे, कि ये बोल रहे हैं लिक्विड टू गैस, और होमोजेनियस इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि होमोजेनियस में हम क्या पढ़ के आए हैं कि सेम फेस में होंगे, तो होमोजेनियस तो हम ले नहीं सकते। अब इन्होंने क्या बोला, नोट इन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस, बट अभी तो हमने पढ़ा कि अगर डिफरेंट फेसेस हो तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी हेट्रोजीनियस, मे और मे नॉट बी होमोजीनियस। मे भी नहीं हो सकता, होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही क्या है, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, फेस चेंज हो रहा है। अगर दोनों का फेस डिफरेंट है तो वो फिर होमोजीनियस की कैटेगरी में तो आ ही नहीं सकते। तो हम इसको सी ऑप्शन के थ्रू करेक्ट कर देंगे कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। वी कैन नॉट से इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसका आंसर हम सी ऑप्शन ही रखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? यस, इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स। ये हेट्रोजीनियस होगा बच्चे, हेट्रोजीनियस था नहीं ना ऑप्शन में, तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस वी कैन से कैन नॉट से, ठीक है। तो ये चीज होगी उसमें, ठीक है, ये हेट्रोजीनियस ही होगा। जनरली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास। क्लियर? ग्रेट, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि के सी की कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं। के की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि कोई रिएक्शन अक्कर होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे। ये के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में फेवर करेगी, कि रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन के वैल्यू। अब हम देखेंगे कैसे। नाउ यू नो दैट के का मतलब क्या है, के क्या है हमारे पास, के एफ बाय के बी, फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय बैकवर्ड। अगर मैं बोलूं बच्चे के एफ जो है के बी से ग्रेटर देन 1 है, के एफ इज ग्रेटर देन के बी, तो ये क्या देगा कि के एफ इज, अगर बच्चे के एफ बाय के बी ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स के एफ इज ग्रेटर देन के बी, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है किससे, बैकवर्ड से। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है, ए टू बी में जाना। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है बच्चे, कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, किसके अंदर ज्यादा फेवरेबल होगा, क्या बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट टू राइट, यानी प्रोडक्ट की रिएक्शन में, ठीक है ना, प्रोडक्ट की डायरेक्शन में वो रिएक्शन हमारी थोड़ी ज्यादा होगी। खाली पेज तो नहीं है हमारे पास, चलो इसी पे दोबारा एक बारी बात करते हैं इसकी। अब देखो बच्चे क्या है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी किसके इक्वल है, के एफ बाय के बी के, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर के मान लो ग्रेटर देन 1 है, मीन्स के एफ बाय के बी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या रिजाम्पल करते हैं कि के एफ जो है वो ग्रेटर देन के बी होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से थोड़ा ज्यादा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है, यानी ए टू बी ज्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तभी वो उसको फेवर कर रहा है, तो प्रोडक्ट को फेवर करेगा। और अगर रिएक्शन प्रोडक्ट को फेवर करती है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होती है बच्चे, लेफ्ट टू राइट में ही होगी ना, तो रिएक्शन विल बी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट केस क्या ले लिया कि मान लो के इज लेस देन 1, यानी कि आपका जो के एफ बाय के बी है वो क्या है, लेस देन 1 है, means kf is greater less than kb। अब kb बड़ा है यानी बैकवर्ड रिएक्शन बड़ी है,
बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ी है, मतलब इस साइड को जा रही है जो रिएक्शन वो ज्यादा है। इसका क्या मतलब होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है तभी वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा है, तो उस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी बच्चे, रिएक्शन होगी फिर हमारी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट को वो फेवर करेगी। अब बताओ ये जो पॉइंट मैंने समझाया ये बात सबको क्लियर हुई, किसी को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो बच्चे वो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। वेरी गुड, अब सारे बच्चे हैंड डाउन करो एक बारी, और वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिसको कोई प्रॉब्लम आई है, जिसको लगता है कि ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि मुझे रिपीट करना चाहिए। एनीवन? हरिओम, ओके। किसी और बच्चे को भी कंफ्यूजन हुई है? नहीं, चलो, एक भी बच्चे को कंफ्यूजन होती है हम उसकी भी दूर करेंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट रिपीट दिस। देखो बच्चे मैं क्या कह रही हूँ, हम सिर्फ के वैल्यू को देख रहे हैं, ठीक है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट के वैल्यू। के वैल्यू क्या होती है, अगर हम के वैल्यू ले, के एफ डिवाइडेड बाय के बी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ बाय के बी होता है। अब क्या बोला गया कि के इज ग्रेटर देन वन, के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन है, यानी के एफ बाय के बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चे, ग्रेटर देन वन होगी। अगर के एफ की वैल्यू के बी, के एफ बाय के बी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या बोल रहा है कि के एफ की वैल्यू के बी से बड़ी होगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी होती है, जो ए से बी जा रही है, यानी कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, और जब प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं तो उस केस में रिएक्शन कैसी रह रही है, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन कैसी रहेगी, लेफ्ट टू राइट। और अगर हम बोल दें कि के इज लेस देन वन है, तो के एफ बाय के बी लेस देन वन मीन्स के एफ छोटा है के बी से। अब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, बैकवर्ड ज्यादा है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में, तो किधर, राइट टू लेफ्ट को मूव करेगी। सो दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन। अभी क्लियर हुआ बेटा? हरिओम, एंड एक और बच्चे ने भी हैंड रेस किया था। यस बच्चे अब क्लियर है? यस दैट्स ग्रेट। एक तो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का यही आ गया। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे बच्चे, उसमें जैसे मैंने के लेस देन वन लिया है, उसमें 10^-3 लिया गया है, तो अगर के जो है लेस देन 10^-3 भी होता है तो कंडीशन वही रहेगी के लेस देन वन वाली, कि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, उस केस में रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड फेवर करेगी, ठीक है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड होती है। अगर बच्चे वो इंटरमीडिएट है, यानी दोनों एक ही रेंज में है, अगर मैं बोलूं वो इक्वल टू वन है, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सेम रहेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। अगर बच्चे k ग्रेटर देन वन, यानी कि k इज ग्रेटर देन 10^3 थी, तो उस केस में हमने क्या बोला था कि प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन किस तरफ थी, फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, क्लियर ये सबको। अब नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट किससे करेंगे, रिएक्शन कॉशेंट और केसी के साथ कंपेयर करके, ठीक है। क्यू वैल्यू लेंगे और केसी की वैल्यू लेंगे, तो अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं बच्चे, एन वन ऑफ ए प्लस एन टू ऑफ बी गिव एम वन ऑफ सी प्लस एम टू ऑफ डी, तो क्यू सी हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एम, डी डिवाइडेड बाय एम टू, एंड देन ए डिवाइडेड बाय एन वन, बी डिवाइडेड बाय एन टू, ये चीज हमारे पास आ जाती है क्यू सी के लिए। बट अब बात आएगी कि सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, ये मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि क्यूसी और केसी में डिफरेंस क्या है। केसी की वैल्यू भी तो हम ऐसे ही निकालते हैं, केसी भी तो हम यही बोलते हैं ना कि रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्यूसी एंड केसी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये कौन बच्चा मुझे बताएगा? हाँ
ये हरलीन ने पहले ही पूछ लिया, मुझसे ही पूछ लिया कि मैम बट ये तो केसी नहीं होता। बिल्कुल सही प्रणब। देखो बेटा केसी और क्यूसी में क्या डिफरेंस है, क्यूसी है रिएक्शन कॉफिशियंट जो आप किसी भी उस पे निकाल सकते हो, ठीक है, एनी टाइम किसी भी टाइम पीरियड पे आप क्यूसी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यूसी और केसी को निकालने का मेथड एक है, वैल्यू भी वैसी ही रहती है। डिफरेंस क्या है, क्यूसी कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टाइम बट केसी पर्टिकुलरली होता है इक्विलिब्रियम के लिए। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तब हम वैल्यू यूज करते हैं बच्चे केसी की। ऑल्दो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, आप रेट निकाल रहे हो रिएक्शंस का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से सिंपल डिवाइड करके अगर आप वैल्यू निकालते हो रेट कॉन्स्टेंट की, डैट वुड बी कंसिडर्ड एज क्यूसी। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई कि क्यूसी और केसी के बीच में बच्चे क्या रिलेशन होता है। क्यूसी वैल्यू होती है कि आप उसको किसी भी टाइम पीरियड पे निकाल सकते हो, बट केसी का क्या मतलब है कि रिएक्शन हम तब निकालेंगे क्यूसी का बट्टे क्वेश्चेंट कॉन्स्टेंट। जैसे केसी क्या होता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, क्यूसी को हम क्या बोलते हैं क्वेश्चेंट कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमने मेंशन भी करा है, रिएक्शन क्वेश्चेंट बोल लो या क्वेश्चन कॉन्स्टेंट बोल लो क्यों, ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चेंट। तो ये भी सेम वे में डिफाइन करते हैं जैसे हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को कर रहे हैं, बट जनरली रहता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चेंट की क्या वैल्यू होती है बच्चे, वो किसी जरूरत नहीं होती कि इक्विलिब्रियम पे ही आप उसको निकाल सकते हो, जबकि केसी इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद ही निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर ये सबको। बटे ये इक्विलिब्रियम का एरो नहीं होता, दिस एरो डज नॉट मीन एज इक्विलिब्रियम। ये किसने बोला आपको इक्विलिब्रियम का एरो है, ये एरो रिवर्सिबल का होता है। दिस डबल हेडेड एरो ये क्या डिफाइन करता है कि रिएक्शन आपके रिवर्सिबल है, यानी ए और बी के बीच में अगर मैं ये एरो लगाती हूँ तो इसका मतलब है कि ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और बी ए में भी कन्वर्ट हो रहा है। दिस एरो इज नॉट मेंट फॉर इक्विलिब्रियम, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, सो दैट्स द थिंग। ठीक है, और इसमें बच्चे हम तीन पॉइंट्स रिमेम्बर याद रखेंगे, ओनली दीज थ्री पॉइंट्स वी हैव टू रिमेम्बर, टू बी रिमेम्बर वाले, कि अगर बच्चे कोफिशेंट कोशेंट की वैल्यू ज्यादा होती है केसी से तो रिएक्शन राइट टू लेफ्ट मूव करती है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है, इधर उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है ना, अगर आपकी क्यू वैल्यू ज्यादा होती है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से तो रिएक्शन बैकवर्ड फॉलो करती है, और इक्विलिब्रियम पे ही इक्विलिब्रियम पे तो क्यूसी और केसी इक्वल हो जाते हैं। अगर सिस्टम क्या हो इक्विलिब्रियम पे हो तो क्यूसी इज इक्वल टू केसी, एंड इफ केसी इज ग्रेटर, अगर हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बच्चे बड़ा है, If KC is greater, then the system proceeds from left to right to reach equilibrium. तो reaction कैसे रहती है? Left to right की तरफ, यानी कि ये forward reaction को favor करता है। ठीक है? एक बारी दोबारा ध्यान में करते हैं कि अगर हमारा QC बच्चे बड़ा होता है KC से तो system proceed होता है right to left, ठीक है ना? फिर हमारा क्या रहता है? किसको forward करता है वो? बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। बट अगर हमारा क्यूसी और केसी क्या हो इक्वल हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, देन दैट सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। और अगर हमारी क्यूसी वैल्यू क्या होती है लेस देन केसी होती है तो सिस्टम प्रोसीड करता है लेफ्ट टू राइट टू ईच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए लेफ्ट टू राइट वो फेवर करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, इज इट क्लियर? ओके ग्रेट, गुड। चल एक चीज और इसके ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं कि बिफोर इक्विलिब्रियम बच्चे क्यूसी हमेशा लेस देन केसी होता है। जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता तो क्यूसी लेस देन केसी होता है, और जब केसी की वैल्यू क्या हो बड़ी हो तो वो क्या करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तब इक्विलिब्रियम किधर होता है फॉरवर्ड को इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। और अगर हमारा क्यूसी केसी के इक्वल होता है तो वो पोजीशन होती है हमारी इक्विलिब्रियम की,
एंड वेन क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, जब क्यूसी बड़ा होता है तो वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है बैकवर्ड में, यानी बैकवर्ड रिएक्शन को वो फेवर करेगा. सो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, क्यूसी और केसी वाली. ये यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? यस प्लीज आस्क. अगर किसी को कोई डाउट है बेटा यहां तक, सबको क्लियर है? एक बारी हैंड रेज करो. ठीक है, तो आज बच्चे हम इतना ही करेंगे. ठीक है, आगे का कुछ टॉपिक है वो काफी लेंथी है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में केसी और केपी की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनमें रिलेशन क्या है, केसी और केपी का रिलेशन, ये सारी डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे. तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. अब खुद किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चे अपने बैचेस रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, नोट्स रिकॉर्ड